15 नवंबर 1875 झारखंड के मुंडा जनजाति के उलिहातु गांव में एक बच्चे का जन्म होता है जो पढ़ाई के चलते ईसाई धर्म को अपना लेता है, लेकिन मुंडाओं के रीति रिवाजों की आलोचनाओं के चलते आगे चलकर उसने ईसाई धर्म छोड़कर अंग्रेजों से लोहा लेते हुए युद्ध छेड़ अपनों के हक की लड़ाई लड़ी। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि आदिवासी समाज के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा है। तो आइए आज बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती पर जानते हैं उनकी कहानी। 1894 ये वो समय था जब अंग्रेज सामंतवादी व्यवस्था को बढ़ावा देने लगे थे। इसी बीच बिरसा मुंडा ने जमींदारी और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई छेड़ी और सूदखोर महाजनों के खिलाफ बगावत की। दरअसल ये महाजन कर्ज के बदले आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लेते थे। इसी बीच बिरसा मुंडा ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम किया, साथ ही भयंकर अकाल और महामारी से जूझ रहे लोगों की मदद की, जिसके चलते ही वो लोगों के बीच धरती आबा यानी धरती पिता कहलाने लगे थे। फिर वक्त आगे बढ़ता रहा और बिरसा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया, जिसके कारण ही उन्होंने 20 साल की उम्र में हथियार उठा लिए और मुंडा राज की घोषणा हुई। लेकिन जैसे ही पुलिस को इस विद्रोह की सूचना मिलती है तो 24 अगस्त 1895 की रात बिरसा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रांची में मुंडा पर आईपीसी की धारा 505 के तहत मुकदमा चलाया जाता है और उन्हें 2 साल की जेल होती है। इससे कुछ वक्त के लिए इलाके में खामोशी छा जाती है, लेकिन ये खामोशी आने वाले तूफान की खामोशी साबित होती है। फिर आता है 25 दिसंबर 1899 का दिन। 7000 के करीब पुरुष और महिलाओं का झुंड। इस दौरान बिरसा मुंडा उल गुलान क्रांति का ऐलान करते हैं। उल गुलान यानी जल जंगल जमीन पर हक की लड़ाई। 1897 से 1900 के बीच आदिवासियों और अंग्रेजों के बीच कई लड़ाइयां हुई, पर हर बार अंग्रेजी सरकार ने मुंह की खाई। इसके बाद स्थानीय कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर क्षेत्र में बढ़ते विद्रोह को दबाने के लिए 150 सुरक्षा बलों के साथ डोमरी बुरू पहाड़ी को घेर लेते हैं। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध होता है। अंग्रेज बंदूक और तोप चला रहे थे और बिरसा मुंडा और उनके समर्थक तीर बरसा रहे थे। 25 जनवरी 1900 में स्टेट्समैन अखबार की खबर के मुताबिक इस लड़ाई में 400 लोग मारे गए थे। कहते हैं कि इस नरसंहार से डोमरी पहाड़ी खून से रंग गई थी। इस युद्ध में अंग्रेज जीत तो गए, लेकिन बिरसा मुंडा उनके हाथ नहीं आए। इसके बाद ही बिरसा पर अंग्रेजों ने 500 रुपए का इनाम रखा और आखिरकार 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर से गिरफ्तार कर लिए गए। अंग्रेजों ने उन्हें रांची की जेल में कैद कर दिया। कहा जाता है कि यहां उनको धीमा जहर दिया गया। इसके चलते ही 9 जून 1900 को वे शहीद हो गए। बिरसा मुंडा की जयंती पर आज भी बिहार, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में वो भगवान